हमारे हजरत बाला हजरत आरिफ कदस अल्लाह ताला सिर्रहू फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश करो, और जब कुछ करने को के रास्ते पर चल पड़ो तो अल्लाह ताला से बातें किया करो। ये लफ्ज़ बोलते थे हजरत, अल्लाह ताला से बातें किया करो। और बातें क्या हैं कि अल्लाह मैं तो मजबूर हूँ, मुझे निकाल दे इस मुसीबत से, मैं फलां गुनाह में मुबतला हूँ, अल्लाह मुझे निकाल दे उससे, मैं फलां फरीज़ा मुझसे अदा नहीं हो रहा, अल्लाह मुझसे अदा करा दे। तो उससे अल्लाह ताला से बातें करो। और हजरत को यहाँ तक भी फरमा देते थे कि कह दो अल्लाह मियाँ से कि अल्लाह या तो मुझे इस गुनाह से निकाल लीजिए या फिर मुआखज़ा ना फरमाइएगा। लेकिन ये कौन कर सकता है? ऐसे नहीं कि मैं खड़ा हो के ये नाज करने खड़ा हो जाऊं। अरे उसके लिए जरूरत है कि इन्ना इब्राहिम अल हलीम अवाह मुनीब, पहले तो आहें तो निकालो, कुछ आंसू तो बहें तुम्हारे अल्लाह की याद में, और अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐसा ताल्लुक तो कायम करो जैसा बेटे का बाप से होता है, बेटे का माँ से होता है, उस तरह का ताल्लुक तो कायम करो, फिर चाहे मांग लो। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ जो सिखाई हुआ मकबूल में भी है कि असलों का बेहक साइलीन अलैका फइन लिसाइल अलैका हक, या अल्लाह मैं आपसे उस हक का वास्ता देकर मांगता हूं जो सवाल करने वालों का आपके ऊपर है। फइन लिसाइल अलैका हक, क्योंकि सवाल करने वाले का भी आप पर हक है कि आप उस सवाल का को कबूल कर फरमाएं। अब हक किसका बनता है भाई? अल्लाह मियाँ के ऊपर। कौन है जो अपना ये दावा करे कि मेरा हक बनता है अल्लाह ताला के ऊपर? हम क्या कहाँ, अल्लाह तबारक व तआला कहाँ? एक कीड़ा, बेहकीकत कीड़ा, वो क्या मेरा हक अल्लाह मियाँ के ऊपर? किसी का हक नहीं बनता अल्लाह ताला के ऊपर, जो कुछ है उनकी रहमत है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक इसलिए बनता है कि अल्लाह आपने कहा था कि उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारा करो मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो जब आपने खुद कह दिया कि मैं सुनूंगा तो फिर बंदे का भी हक बन गया। आप तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक साइलीन अलैका फइन लिसाइलिका अलैका हक, और उसमें दुआ क्या मांगी, उसमें आगे आती है कि या अल्लाह अय्युमा अब्दिन मिन अहल البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم من تشركنا في صالح ما يدعونك فيه, कि अल्लाह इस बर और बहर में, खुश्की में, समंदर में जितने आपके बंदे दुआएं कर रहे हैं, बल्कि जिन्होंने दुआएं की हैं और आपने उनकी दुआएं कबूल की हैं, तो उनकी सारी अच्छी दुआओं में हमें भी, मुझे भी शामिल कर लीजिए। उस मौके पर फरमाया कि मैं उस सवाल के, उस हक के वास्ता देकर सवाल करता हूं जो आप पर सवाल करने वालों का है। तो ये क्या है, ये नाज है, वरना किसी का हक नहीं बनता अल्लाह ताला के ऊपर। लेकिन ये नाज कब होता, कब कर सकता है बंदा, जबकि इब्राहिम अल हलीम अवाह मुनीब, पहले हलीम तो बनो, पहले अवाह तो बनो, यानी रात की अंधेरियों में बैठ के अल्लाह तबारक बतालो के सामने आंसू तो बहाओ, उसको पुकारो तो सही, उसका जिक्र आने पर आहें तो भरो और उसकी तरफ रुजू करने की आदत तो डालो।
वो आदत डालकर कहोगे तो बेशक हम, अगरचे हम पर किसी का हक कुछ नहीं बनता, लेकिन हम अपने फजल व करम से तुम्हारा हक तस्लीम कर लेंगे।